कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू कश्मीर के कठुआ में है। आज सुबह ये यात्रा कठुआ के हीरानगर से शुरू हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नजर आए। यात्रा के जम्मू कश्मीर में प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी से कुछ रास्ता पैदल चलने के बजाय कार से तय करने को कहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। जब से राहुल गांधी जम्मू में दाखिल हुए हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो साफ देखा जा सकता है कि एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें राहुल गांधी पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही जम्मू के नरवाल इलाके में दो धमाके हुए हैं और उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। आपको बता दें, ये यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। अब तक करीब 3100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया गया है इस यात्रा में और शुक्रवार को ही जम्मू में प्रवेश कर चुकी है ये यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौटा हूँ। जिस धरती से मेरा परिवार आया है, मैं वहाँ पैदल चलकर लौट रहा हूँ। यहाँ हर कोई आहत है, हर कोई पीड़ित है। राहुल गांधी बोले कि आपने बहुत कुछ सहा है और मैं यहाँ आपके दुख को साझा करने आया हूँ। राहुल गांधी की ये यात्रा का अंतिम चरण है और इसके समापन के लिए कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को भी आने का न्योता दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं नजीर मसूदी, जो हमें हाल दिखाएंगे वहां का क्या कुछ चल रहा है। नजीर, कल ही जम्मू के नरवाल में दो धमाके हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर दी है। राहुल गांधी की सुरक्षा में जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक अलग घेरा नजर आ रहा है, उस बारे में बताएं, क्या सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद? जी, सुरक्षा का जो घेरा है राहुल गांधी के आगे पीछे दाएं बाएं, वो बढ़ा दिया गया है और यात्रा आज सवेरे से ही चढ़वाल कुठवा से जारी है, रवा दवा है। बीच में चाय के लिए एक ब्रेक भी हुई और यह यात्रा का पीछे जो हम देख रहे हैं किस तरह यात्रा चल रही है यहाँ जम्मू के इलाके में और जम्मू की तरफ। कल ये जम्मू पहुंचेगी, आज रात में वो पड़ाव होगा, लेकिन सुरक्षा के बिल्कुल चिंताएं हैं। कल जो जम्मू में दो ब्लास्ट हुए नरवाल में, जिसमें 9 लोग घायल हुए, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा पुख्ता किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है ताकि ये डिस्कस किया जाए पहले ये ब्लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि पिछले कुछ ही हफ्ते पहले राजौरी में एक आतंकी हमला हुआ था, वहां निर्दोष लोगों को मारा गया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग जम्मू में बुलाई, जिसमें यह बताया कि एक रोबस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाओ ताकि जम्मू बिल्कुल आतंकी गतिविधियों से पाक रहे। लेकिन हमने देखा कल दो ब्लास्ट हुए, जाहिर सी बात है वो एक स्क्रैप में थे, एक इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन नहीं थी, हाईवे नहीं थी, बिल्कुल कोई भी ऐसी शरारत कर सके। लेकिन एक चुनौती है जब इस तरह की यात्रा जम्मू कश्मीर में से गुजर रही हो और फिर ये आप देखें कि किस तरह से यहाँ यात्रा का ये मंजर है चल रहे इस वक्त। सिक्योरिटी के बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं इसमें, पूरी तरह हर तरफ से सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इसमें जुटे हैं हर तरफ से रोड पर। उसके बाद राहुल गांधी इसमें चल रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगले हफ्ते तक जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे नजीर, किस तरह का असर हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की कोई राजनीतिक पार्टी है जो पैदल यात्रा यहाँ पर कर रही है, किस तरह का असर, क्या भावनाएं हैं लोगों के मन में इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, पहली बात जो है कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत जैसे जमी हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है पिछले 4 साल से, जब से जम्मू कश्मीर का राज्य का जो दर्जा खत्म किया गया, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज तब होती है जब इलेक्शन है, क्योंकि हर सियासत और सियासी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी की राजनीति हमेशा इलेक्शन से जुड़ती है और इससे यहाँ कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी, इक्का दुक्का पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, लेकिन हर एक को मालूम है कि इलेक्शन का कभी डेट नहीं दे रहे हैं। 2014 में पिछले इलेक्शन असेंबली इलेक्शन हुए, तो इस लिहाज से अगर देखें कि ये यात्रा एक तरह का एक और नया राजनीति में जोश भरने का एक जरिया बन सकता है। कश्मीर घाटी में दिसंबर के महीने में कहीं एक पॉलिटिकल
मीटिंग्स हुई, यह उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी किसी को अंदाजा नहीं कि इलेक्शन हो भी जाएगा। जब हाल ही में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई, बाकी राज्यों में जो इलेक्शंस हैं उन पे बात हुई लेकिन जम्मू कश्मीर पे नहीं हुई, और किसी को मालूम नहीं। जब इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं हो, राजनीति से भी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह जो है ये जो रैली है, जो पदयात्रा है, ये चल रही है, और राहुल गांधी की एक आम बात जो है इसमें कि कश्मीर में आम लोग भी तिरंगा लेके चलेंगे, वो जबरदस्त बात है। इसमें जम्मू से चलते ही है इस वक्त, और जब ये बानिहाल टनल पार करेगी वो उस वक्त भी लोग तिरंगा लेके पूरे श्रीनगर तक मार्च करेंगे, जहां एक बड़ी जलसभा का आयोजक कांग्रेस कर रही है, एक बड़ा जलसा वहां करने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। तो जम्मू के कठुआ से आज ये यात्रा आगे बढ़ी है और एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। कल जिस तरह से धमाका हुआ है नरवाल में, उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद इंतजाम कर रही है।